तो मित्रों स्वागत है आपका आज के हमारे इस यूनिक इनिशिएटिव में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज और कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनका यूज करके आप 40-50 मार्क्स का इजीली गेन कर सकते हैं। पीवाईक्यू इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन एवर ज्वाइन इन योर लाइफ। बाकी कोचिंग के कोई भी टेस्ट सीरीज आपको वो चीज नहीं देगी, वो लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं देगी जो यूपीएससी आपसे पूछता है। यूपीएससी हैज ए यूनिक टेंडेंसी, इसीलिए आपको हर रोज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए। तो आज हम क्या है कि हम आज हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और उन पे रिसर्च भी करेंगे, राइट, रिवर्स इंजीनियरिंग। और इसमें 8-10 क्वेश्चन आज हम अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। देखो 2021 के प्री के ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा हुआ है कि भैया जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आए थे, राइट, दे रिकमेंडेड ग्रांटिंग ऑफ वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21, ऑल वुमेन। क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे 1919 तक इंडिया में सभी वुमेन को जो है वोटिंग राइट्स दिए जाते होंगे, ऑल वुमेन? ये बात एकदम झूठ है, राइट। अभी हम देखेंगे कि उस टाइम वोटिंग से रिलेटेड क्या उसमें प्रोविजन थे। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गिव वुमेन रिजर्व्ड सीट इन लेजिस्लेचर। भाई आज भी इंडिया में वुमेन के लिए लेजिस्लेचर में कोई रिजर्व्ड सीट नहीं है। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स इतने मतलब वो वुमेन के लिए कंसर्न रहे होंगे, इंडियन वुमेन के लिए वो भी, कि वो रिजर्व सीट दे देंगे लेजिस्लेचर में? नाइदर वन नॉर टू, ये दोनों बातें झूठ थी यूपीएससी ने दी हुई। ये बिल्कुल एक फंसाने की कोशिश थी, राइट, कि आप अपने उस एक मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा एक लॉजिक के साथ डील कीजिए कि मान लीजिए अगर इतना बड़ा काम उन्होंने किया होता तो क्या आपने कभी भी ये पढ़ा नहीं होता क्या? इतना बड़ा काम आपने छोटी से छोटी डिटेल पढ़ी है, आपने ये पढ़ा है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत जो सेंट्रल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश किए थे उस लेजिस्लेचर के मेंबर्स कितने थे, आपने इतनी तक डिटेल पढ़ी हुई है। इतनी बड़ी बात क्या आप पढ़ नहीं लेते अगर ऐसा हुआ होता, राइट? सो इस तरीके के जो जाने अनजाने वाले क्वेश्चन यूपीएससी ने दिए होते हैं, ये बस आपका यूपीएससी लॉजिक टेस्ट करना चाहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करना चाहता है। हालांकि हमें इस पर थोड़ी और रिसर्च करनी है, हमें थोड़ी रिसर्च करनी है कि 1919 का ये जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था इसमें वोट कौन कर सकता था। वोट देखिए यहाँ पे एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी हुआ करती थी और जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया वो सिर्फ आजाद भारत में आया। तब तक कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इंडिया में नहीं था। लिमिटेड फ्रेंचाइजी कैसे थी, सिर्फ वो वोटर्स जो कि लैंड रेवेन्यू पे करते थे 3,000 रुपए से ऊपर का, सिर्फ वो लोग वोट कर सकते थे इंडिया में, राइट। तो इससे रिलेटेड अब हमें इस पर थोड़ी और रिसर्च भी करनी है 1919 के एक्ट से रिलेटेड। देखिए डायरकी प्रोविंसेस में जो है लाई गई, ये आप सभी को पता है। और आपको ये भी पता होगा कि 1919 के एक्ट से जो है प्रोविंसेस में आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड बना दिए गए, राइट, दो कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। इतना बेसिक सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने नोटिस नहीं की होगी जिसपे यूपीएससी आगे क्वेश्चन बना सकता है। एक ये बात कि इसी एक्ट में यूपीएससी की फाउंडेशंस रखी गई, राइट, ये भी आप सभी को पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान इसमें था। इंपॉर्टेंट बात कि इसी एक्ट को रिव्यू करने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसी को रिव्यू करने का एक प्रोविजन इसी एक्ट में डाला गया कि भैया 10 साल के बाद हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन लाएंगे और वो स्टैट्यूटरी कमीशन ही आपका साइमन कमीशन था। तो अगर वो आपसे पूछे कि साइमन कमीशन हैड ए लीगल मैंडेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रहेगा, इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है कि इंडिया के लिए एक हाई कमिश्नर इस्टेब्लिश कर दिया गया लंदन में, राइट, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसकी कुछ पावर्स हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दी गई, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और बजट पे वोट करने का अधिकार पहली बार इंडियंस को दे दिया गया, ये बात सही है, लेकिन पूरा बजट वो वोट नहीं कर सकते थे, सिर्फ 25% ऑफ बजट इट वॉज मेड अंडर वोटेड कैटेगरी। बाकी जो आपका बजट होता था 75% बजट, उस पे इंडियंस उस वक्त भी प्रोविंसेस में वोट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट कि जो गवर्नर जनरल है इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी, इतनी ज़्यादा कि वो विदाउट लेजिस्लेचर के कंसेंट के भी अपना
एक्ट बना सकता था, कोई भी बिल वो पास कर सकता था बिना लेजिस्लेचर के कंसेंट के भी। तो इतनी ज़्यादा पावर्स गवर्नर जनरल के पास उस वक्त थी, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ यूपीएससी एक अच्छी स्टेटमेंट बना सकता है। इसी एक्ट के तहत जो काउंसिल ऑफ स्टेट, जो काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस जो उस वक्त होता था, उसमें सिर्फ मेल मेंबर्स का प्रावधान था, सिर्फ मेल मेंबर्स उसमें होने थे। ये जो फीमेल वाला यहाँ पे इन्होंने कचरा कर रखा हुआ है, ये बेसिकली आपको इसी अगर आपने ये प्रावधान पढ़ा होता तो यहीं से आप इसे अटेम्प्ट इजीली कर सकते थे। सो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉरी अभी मुझे एक कॉल आ गई थी, राइट, ये मैं बाद में पिक करूंगा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त रेवोल्यूशन से रिलेटेड, कि भैया जो 8 अगस्त 1942 का दिन है, सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है कि ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, ये सब कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपको एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये इसे हम अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसी टाइम जो क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन था वो AICC ने पास किया था, राइट। और कहाँ ये पास हुआ था दोस्तों? ये शुरू हुआ था आपके बॉम्बे से, राइट। और अरुणा आसफ अली का इसमें क्या योगदान रहा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बताइए कि अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं का इसमें क्या योगदान रहा। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, यूपीएससी के लिए हमने मार्च रेवोल्यूशन भी पढ़ना है, मंथ से रिलेटेड रेवोल्यूशन। देखो ये मार्च रेवोल्यूशन क्या था, ये रशिया से रिलेटेड एक रेवोल्यूशन था जो 8 मार्च 1917 को इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इस डेट पे ये हुई थी, राइट। तो ये रेवोल्यूशन पहली बार जो रशिया का जार था जूलियन था, राइट, जो रशिया का जार था उसे जो है पहली बार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ये सरकार फिर ज्यादा चल भी नहीं पाई। और इसी मार्च रेवोल्यूशन को फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि जो रशिया का कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर उसमें जो है ये डेट फेब्रुअरी को पड़ती है, तो ये मैच नहीं करती है कैलेंडर, इसीलिए फेब्रुअरी या मार्च रेवोल्यूशन हमें कहते हैं। और उसके बाद क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि यहाँ जो अब सरकार इस्टेब्लिश हुई इस रेवोल्यूशन के बाद वो ज़्यादा नहीं चल पाई, तो 1917 के अक्टूबर में अगेन एक रेवोल्यूशन हुई जिसे हम कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। और इस अक्टूबर रेवोल्यूशन को ही हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो कि व्लादिमीर लेनिन इसके बाद लीडर उभर कर सामने आए रशिया में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें हमने रिसर्च करी। एक और यहाँ पे ये आपसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, बेसिकली यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप इतनी डेप्थ में चीज़ों को जानो, लेकिन ये आपसे फिर से लॉजिक ही पूछ रहा था, आपसे इमेजिनेशन पूछ रहा था कि कौन वो लीडर हो सकता है जो कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन बना सकता है, लिख सकता है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। देखो बाल गंगाधर तिलक आपको पता है, आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक यूजुअली जो है आपके एक रेडिकल ट्रेंड के लीडर आप इन्हें मान सकते हैं, राइट। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो यूजुअली ये जो भजन की मतलब भजन छोड़ो, ये जो सॉन्ग है ना, सॉन्ग वाला जो एस्पेक्ट है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरीके के एक रेडिकल लीडर से, खासतौर पे बाल गंगाधर तिलक की जैसी पर्सनैलिटी थी तो सॉन्ग तो नहीं लिखेंगे। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू, ये हिस्टोरियन अच्छे थे पर ये सॉन्ग लिखने का इनका काम उतना नहीं रहता था। तो लोग जो कन्फ्यूज हो सकते थे वो महात्मा गांधी और आपके सरोजनी नायडू में थे। एक्चुअली ये महात्मा गांधी ने येरावाड़ा जेल में, जो पुणे में आपके इस्टेब्लिश्ड है, आई थिंक पुणे में है, राइट, तो वहाँ पे इन्होंने ये लिखे थे, राइट, ये सॉन्ग्स अपने। और महात्मा गांधी के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बता दूँ ताकि आपके फ्यूचर के लिए एक और चीज़ पे क्लैरिटी रहे। दोस्तों जब 1931 में महात्मा गांधी क्या है कि उन्होंने अपने साबरमती आश्रम को छोड़ दिया था, राइट, साबरमती आश्रम को उन्होंने छोड़ दिया, ये प्लेज लेते हुए 1930 या 1931 में ये प्लेज लेते हुए कि मैं अब साबरमती अपने फेवरेट स्थान तभी वापस आऊँगा जब देश को आज़ादी दिला दूँ। और जब देश को आज़ादी मिली 1947 में, उस टाइम वो एलिजिबल हुए इस शर्त के मुताबिक साबरमती वापस आने के लिए, राइट, वापस आने के लिए, राइट। लेकिन क्योंकि उस वक्त देश में दंगे चले हुए थे तो वो साबरमती उस वक्त नहीं आ पाए, वो चले गए आपके कलकत्ता में, राइट, नोआखली जैसे इलाकों में। तो वो जीवन में 1931 के बाद कभी भी वापस नहीं आ पाए क्योंकि उसके बाद उनकी फिर डेथ भी हो गई थी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी प्लेज की, उन्होंने एक प्लेज ली थी, राइट। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड हमने एक और चीज़ यहाँ डिस्कस करी। नेक्स्ट चीज आते हैं, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, आपने मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मुझे ये डिस्कस करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। इसमें पूछा था कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये जो टर्म है उस टाइम के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में
छोटा एरिया कौन सा था, फिर बड़ा कौन सा आता है, फिर बड़ा कौन सा आता है। डेफिनेटली जो आप आपने अभी सुना भी होगा, मतलब गांव में अगर आप रहते हैं तो बोलते हैं ना कि परगना परगना, कि भाई ग्रुप ऑफ विलेजेस वो होती थी परगना, फिर ग्रुप ऑफ परगना वो होता था सरकार, ये जिला जैसा होता था, फिर सरकारों का एक ग्रुप वो सूबा होता था जिसका हेड सूबेदार हुआ करता था। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे था, ऑप्शन इसका ए है। डिस्कस करने की इसमें कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बस आपसे आपके ये पूछ रहा था कि आप कितनी अटेंटिवनेस के साथ अटेंटिव हो गए, आप कितना पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगेन आपसे वो नीटी ग्रिटी पूछ रहा था कि जो हिंदू फीमेल स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था उसका एक सेक्रेटरी हुआ करता था। इस हिंदू फीमेल स्कूल को बाद में बेथ्यूने स्कूल के नाम से जाना गया। देखिए बेथ्यूने स्कूल, जितना मैं अभी रिमेंबर कर पा रहा हूँ, रिमाइंड कर पा रहा हूँ, ये 1849 की बात है, राइट। ये जॉर्ज बेथ्यूने नाम का एक बंदा हुआ करता था ब्रिटिशर्स, उसने ये इस्टेब्लिश किया था। तो इंडियन एक इसमें एसोसिएटेड था, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि इंडिया में फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। 80-90 से ज्यादा इन्होंने अपने बंगाल में जो है स्कूल खोले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राइट, फीमेल एजुकेशन के लिए। साथ में इन्होंने जो विडो रिमैरिज है, विडो रिमैरिज पे इंपॉर्टेंट काम किया, और इन्हीं के प्रेशर में आकर के विडो रिमैरिज एक्ट जो है इंडिया में लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये 1850s में हुआ, राइट। तो इसका आंसर तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, लेकिन हम इन बाकी लोगों पे भी थोड़ा रिसर्च करेंगे, राइट, एडिशनल थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि जो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर है, ये आपके इन्होंने खुद एक तत्वबोधिनी सभा नाम की एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश की थी 1839 में, और इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी शुरू की। आप मुझे बताएंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप शुरू किया था राजा राममोहन रॉय ने, जिसके ये सदस्य थे, बाद में बनके उसके आचार्य भी बने, राइट। तो आप बताएंगे कि उसका नाम क्या था, राइट, जिसके ये मेंबर थे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा, हम अब एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे कि इन्होंने अब कौन सा ऐसा क्या इनका कोई इंडिया में रोल रहा। बिल्कुल सर, एनी बेसेंट वो एक औरत है जिन्होंने इंडिया में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में इस्टेब्लिश हुई थी, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये बाद में चल के प्रेजिडेंट बनी। ओक्लॉट के बाद जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद एनी बेसेंट वहाँ पे प्रेजिडेंट बनी थी, राइट। दूसरी बात, एनी बेसेंट वो इंडिया में एक फीमेल रही है जो फॉरेन ओरिजिन की थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट बनी। तीसरी बात इनके बारे में हमें जानना है, एनी बेसेंट के बारे में, कि इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया 1898 में। कहाँ किया? ये वाराणसी में किया, बनारस में किया, और यही बाद में चल के आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बना। तो ये किसने इस्टेब्लिश किया था? एनी बेसेंट ने। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इनका एक और इम्पॉर्टेंट इंडिया की आज़ादी में योगदान है, तिलक के साथ मिलके इन्होंने एक लीग बनाई थी, आप बताएंगे कि उस लीग का नाम क्या था, राइट, ये भी आप मुझे बताएंगे, और बताएंगे कि वो लीग तिलक वाली लीग बड़ी थी या एनी बेसेंट वाली बड़ी थी साइज में, मतलब कवरेज में, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है सरोजनी नायडू। दोस्तों सरोजनी नायडू ने क्या एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा, लिटरेरी वर्क उन्होंने बहुत किया, लेकिन एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये भी रहा कि वो पहली इंडियन वुमेन बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। 1925 का ये सेशन था। तो आप मुझे अब साथ में ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही बार उन्होंने सेशन हेड किया, एक ही बार वो प्रेसिडेंट बने, वो कौन सा सेशन था, कौन से साल में हुआ, और उस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या एक इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया गांधी ने। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये तीन चार नाम इन्होंने बताए, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुलबख्श सिंह ढिल्लो, ये हर किसी ने सही किया होगा जिसने ध्यान से पढ़ी होगी, राइट, क्योंकि इनका नाम इतनी बार आता है। इनफैक्ट 1946 में इंडिया में एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन चार पांच नामों की वजह से हुई। लाल किले में जो एक तरीके से लाल किले को घेरा गया इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा, वो इन चार नामों की वजह से, इन तीन नामों की वजह से हुआ। ये बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी जो कि आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्टेब्लिश की थी, आज़ाद हिंद फौज, उसके जो है ये ऑफिसर्स हुआ करते थे। इन्हें ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना दिया और इन्हें फांसी देने वाले थे। बाद में चलकर नेहरू जैसे लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने इनका केस लड़ा। कहाँ ये केस चली? प्रोसीडिंग्स बाकायदा लाल किले में चलाई गई, और अंग्रेजों की मत इतनी मारी गई थी, इन्हें लगा कि अगर लाल किले में प्रोसीडिंग चलाएंगे तो सभी लोगों को एक मैसेज जाएगा, बाकी सारे फौजियों को मैसेज जाएगा कि विद्रोह ना करें, राइट। तो ये एक पब्लिक हियरिंग इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन ये अंग्रेजों के ही उल्टा पड़ गया। इंटरेस्टिंग कहानी इसकी ये है।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये एक अनदर क्वेश्चन जो यूपीएससी आपसे यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप इसे अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन इसीलिए दिए होते हैं ताकि आप इन्हें छोड़ें और तुक्केबाजों को इसमें घेरा जाए, राइट। वो क्यों? क्योंकि इतना आपको पता है कि जो रोहिलखंड किंगडम है, जो रोहिला सरदार हुआ करते थे, आई थिंक ये उत्तराखंड के एरिया में आपको जो तेराई एरिया होता था वहाँ, ये रोहिलखंड वहाँ को बोलते हैं। तो ये जो रोहिलखंड है, एरिया है, किंगडम, ये ऑलरेडी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से पहले, अहमद शाह तो बहुत बाद में आया, इवन नादिर शाह से पहले ये इस्टेब्लिश हो चुके थे। ये 1700 के प्रारंभ में आपका रोहिलखंड किंगडम वहाँ इस्टेब्लिश हो चुका था। तो थर्ड स्टेटमेंट को कोई भी एलिमिनेट कर सकता था, किसी ने हिस्ट्री थोड़ी बहुत ध्यान से पढ़ी है, राइट, इतना वो एलिमिनेट कर सकता था। कन्फ्यूजन मुझे भी यहाँ लास्ट ईयर यही हुई कि निजामत ऑफ आरकोट क्या ये हैदराबाद से एमर्ज हुई है। आप जब बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक लाइन उसमें ऐसी है कि जो निजामत ऑफ आरकोट है ये हैदराबाद स्टेट से एमर्ज हुई है, पर यूपीएससी के आंसर की में इसको भी गलत माना गया है। ये बात सही है कि जो विजयनगर एम्पायर था वो उसी से टूट के एक डायनेस्टी निकली थी दोस्तों, वोदियार नाम की डायनेस्टी, राइट, वोदियार नाम की डायनेस्टी। उसी वोदियार डायनेस्टी के अंडर मैसूर किंगडम राइज हुआ था और बाद में टीपू सुल्तान वगैरह ने इस पे जो है बाद में अपना शासन किया। सो टू ओनली इज इट्स आंसर। ये हमने इसकी कहानी टोटल पढ़ ली, इसी पे बिल्ड करके यूपीएससी आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखना यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो निजामत ऑफ आरकोट है ये हैदराबाद स्टेट से नहीं निकली थी, राइट। बाकी इस पे रिसर्च क्या करें यार, ये इसलिए मैं इस पे कुछ भी यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसमें अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं तो वो एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही मैं यहाँ पे कॉपी कर दूं, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको सिर्फ कहानियाँ सुना सकता हूँ। बाकी इसमें रिटर्न में ऐसे कुछ उस तरीके की जैसे मैंने पीछे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस तरीके की दी हुई है, रिटर्न में इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देना मुझे नहीं लगा कि ये वायबल ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अगेन यूपीएससी आपसे नॉलेज चाहता ही नहीं है, वो आपको हिंट छोड़ जाता है हर क्वेश्चन में। इसका एक अगेन ये क्लासिक एग्जांपल है, किसी को नहीं पता था कि यूजुअली किसी को नहीं पता होता कि इंटरनेशनल मदर टंग जो मदर लैंग्वेज जो डे है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है यानी, राइट। लेकिन यूपीएससी ने यहाँ एक हिंट छोड़ा है कि क्या ये यूनिसेफ ने डिक्लेयर किया हुआ है, राइट, क्या ये यूनिसेफ ने डिक्लेयर किया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन को जब आप डील करो तो मेरा हमेशा डील करने का एक तरीका रहता है प्रोबेबिलिटी वाला। जिस क्वेश्चन में 2 या 3 फैक्ट दिए हुए ना, खुद सोचो, जिस क्वेश्चन में 2 या 3 फैक्ट दिए हुए हैं, इजीली, बड़े इजीली उसमें से किसी भी एक फैक्ट को यूपीएससी कहीं पे भी मोल्ड कर सकता है। एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो, आप अगर 3 फैक्ट कहीं स्टेटमेंट में डाल रहे हो तो आपका मन करेगा कि एक फैक्ट को आप डाइल्यूट कर दो। तो यूजुअली इस तरीके की जो हाईली फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसमें 2 या 3 फैक्ट आपसे पूछे गए हैं, देखो 21 फरवरी हो गया, मदर लैंग्वेज डे हो गया और यूनिसेफ हो गया, ये 3 फैक्ट आपसे पूछे हुए हैं, यूपीएससी कहीं पे भी इसमें डाइल्यूट कर सकता है। तो ये एकदम सही बात थी, मैंने भी यही उस टाइम सोचा कि जो यूनिसेफ है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो काम है ना लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड, ट्रेडिशन वगैरह से रिलेटेड, ये कौन करता है? यूनेस्को। हेरिटेज वगैरह से रिलेटेड कौन करता है? यूनेस्को। तो यूनिसेफ तो नहीं होगा, ये तो चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड होगा, तो मैंने इसे तो एलिमिनेट कर दिया। दूसरा कि भैया डिमांड फॉर बांग्ला has to be one of the national languages was raised in Constituent Assembly of Pakistan. भाई की होगी, हमें पता है कि जो बांग्लादेश है, जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था, और आज का जो बांग्लादेश है वो जब ईस्ट पाकिस्तान था तो वहाँ के जो बांग्ला स्पीकिंग जो लोग थे वो मेजोरिटी में थे। तो मेजोरिटी कहीं ना कहीं तो कहेगी कि भैया ना उर्दू मत रखो, बांग्ला को रखो नेशनल लैंग्वेज। तो ये डिमांड रेज की गई, ऐसा नहीं बोला कि ये बांग्ला लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया, नहीं, डिमांड रेज की होगी। भाई किसी ना किसी ने तो रेज की होगी, किसी ना किसी बांग्ला एमपी ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये रेज की ही होगी, राइट। इंडिया में भी होती है, जैसे हिंदी की डिमांड हुई, इंग्लिश की डिमांड हुई, संस्कृत तक की डिमांड हुई इंडिया के इसमें, राइट। हालांकि संस्कृत किसी को बोलनी नहीं आती ज्यादा लोगों को इंडिया में, फिर भी। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, इस पे भी रिसर्च करने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अगर पूछेगा तो इस ट्रेंड पे पूछेगा, इस कंटेंट पे नहीं पूछेगा फिर से आपसे क्वेश्चन। तो आई होप ये आज का आपका जो इनिशिएटिव है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं द यूपीएससी हब, ये चैनल आप
और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कमेंट में यार फीडबैक देते रहो, मुझे आपका कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, बेसिकली बात ये है फंडामेंटली। और अगर ये हेल्पफुल हो रहे हैं लेक्चर्स तो सपोर्ट करते रहिए गाइस बाय वर्ड्स एंड डीड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।